और भाई लोग कैसे हो। तो आ चुका एक नया वीडियो लेकर। पता है यार, बहुत दिनों के बाद ला रहा हूँ, पर क्या करें यार, पबजी बैन था तो मैं नहीं चाहता था यार कि इंडिया में जो चीज़ बैन है और वो मैं खेलूँ, तो इसका मतलब क्या ही सेंस बनता है। तो बाकी यूट्यूबर लोगों ने तो भाई कर दिया KR शुरू, तो मैंने भी सोचा कि भाई हम भी KR ट्राई करते एक बार। तो आगे भाई KR लेके, और ये कुछ अलग लेवल गेम प्ले होने वाला है, तो देखना ज़रूर पूरा। तो इसी के साथ मैं आ चुका हूँ मिलिट्री बेस, और मैं कतई गेम खेलना भूल चुका हूँ, और ये गेम का साउंड भी चला गया, तो क्या ही कर सकते हैं इसके बारे में। तो सामने वाला यहाँ पे मेरे पे पिस्टल चलाता है। हाँ, जहाँ तक लग रहा है तो वो पिस्टल ही थी, पर वो मैंने भाई उसको शॉटगन का जो फटका दिया है ना भाई, याद रखिए, क्योंकि भाई उसको हेड ही हेड पड़े। तो यहाँ पर मेरे को पुश्ते पा रहे थे, और हमारा बंदा घुस भी गया वहाँ पे और निपट भी गया, तो भाई बदला तो लेना ही पड़ेगा ना। जैसे मैं पहले भी कहा करता था कि भाई बदला लेना जरूरी है, तो यहाँ पर मैं इसको एक शॉटगन बजा देता हूँ, और भाई जैसे ये बंदा छुपता है ना, तो मेरी कन्फ्यूजन और बढ़ जाती, क्योंकि मैंने खरीदा है नया हेडफोन, और उसका भाई लेफ्ट का राइट आता है, राइट का लेफ्ट आता है साउंड, तो भाई क्या ही दिक्कत चल रही है उसके बारे में, मतलब गलत ही सीन चल रहा है। तो यहाँ पर देखना क्या गलत सीन हो जाते। मेरे को लग रहा था भाई वो बंदा लेफ्ट में आ गया, पर वो असल में था राइट में, तो भाई यहाँ पे भी एक गलत सीन हो गया। और इनका लास्ट वाला बंदा हमारे टीममेट ख़त्म कर देता है, तो यहाँ पे मेरे को सब किल मिल जाते। तो इस स्क्वाड को जैसे निपटा देते, तो हम पे एक बंदा रश कर देता है, कहते अंधा रश। तो मैं देखो भाई शॉटगन से मतलब कितने दूर मारता उसको, और वो नॉक भी हो जाता है, तो मतलब मज़े आ गए यार। शॉटगन मेरे से लगती नहीं, पर पहली बार मेरे को खुशी हो रही शॉटगन मैंने उठाई है। तो सी बिल्डिंग साफ करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे लूटपाट करने, पर यहाँ पे हो जाती सामने फायर, तो क्या करना है। तो रश तो करना पड़ेगा, पर मेरे को तो बंदा यहाँ से दिख जाता है, तो यहाँ से इसमें स्प्रे देने का ट्राई करता हूँ, और बंदा देखने में कैसे गिराता हूँ। तुम्हारे भाई का फॉर्म अभी गया नहीं है भाई, मतलब एक महीने से मैं पबजी नहीं खेला, तब भी मेरा फॉर्म बरकरार है, मतलब चाहिए भाई, मजा आ गया यार। और तभी मेरे को अंदर से और फायर आते, तो मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या सीन चल रहा है अंदर, मतलब कितने स्क्वाड है यहाँ पे। तो जाता हूँ और एक बंदे को निपटा देता हूँ पहले, तो देख रहे हो लोंडो तुम्हारे भाई के रिफ्लेक्स। सॉरी यार, मतलब ठंड पड़ रही है ना, मतलब जुबान फिसल ही जा रही है मेरी, मतलब क्या ही बोल रहा हूँ मैं, मेरे को भी पता नहीं चल रहा। तो भाई पूरी तो बात होने दो, पहले आ जाते यार बंदे। मैं सच्ची कह रहा हूँ यार, मैंने एक महीने से पबजी नहीं खेली है, और ये लूटने की आदत तब भी मेरी गई नहीं है, क्योंकि भाई लूट जैसे देखता हूँ तो मैं लूट लेता हूँ पहले, फिर बंदे को मारने के बारे में सोचता हूँ। तो इनको मारने के बाद मैं यहाँ से निकल ही रहा होता हूँ कि भाई एक बंदा देखना अचानक से आ जाएगा, मतलब उसका ध्यान भी मेरी तरफ नहीं था और मेरा ध्यान भी उसके तरफ नहीं था, तो भाई गज्जी भी सीन हो गए थे यहाँ पे। तो देखो यार, आपको दिख ही रहा होगा बंदा। तो उसको ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ वाला बंदा भाई कति गजब की फायरिंग कर रहा था, मत्ता नहीं यार कितने बंदे टपका दिए इसने। और यहाँ पे वही सीन हो जाता है, लेफ्ट का राइट में साउंड और राइट का लेफ्ट में साउंड, मतलब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, और ये बंदा भाई कवर में जाके मर गया, मतलब क्या ही किस्मत थी यार। पहले तो मैं मारा करता था क्योंकि मेरा पिंग हाई रहता था तब के टाइम, पर अभी दूसरों को मरते हुए देख अच्छा लग रहा है मेरे को, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए यार ऐसे कवर में जाके मरने पर कितना दुख होता है। तो ब्रिज पार करके यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे दिख जाती है एक फ्लेयर, तो रोजी रोटी के लिए जाना ही पड़ेगा। क्या बोल दिया यार, रोजी रोटी, मतलब जिसके 1000 सब्सक्राइबर नहीं है वो रोजी रोटी के बारे में सोच रहा है, मतलब क्या ही यार, सब्सक्राइब कर दो यार, मेरे को भी रोजी रोटी मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा यार, मिल ली है तो जाओ यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। चलो मेरी रोजी रोटी भी जाने दो, पर देखो अभी जो ड्रॉप पे होने वाला है ना, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, मतलब आप फ्लाइंग कीस मार के फेंकोगे यार सब्सक्राइब बटन पे, क्योंकि मैं जो गाड़ी से बंदा उतारूंगा ना भाई, मजे आ जाएंगे कहते ही, फ्लाइंग कीस देना सब्सक्राइब के बटन पे, पहले बता दे रहा हूँ लूंडो। तो यहाँ पर मेरे सामने ड्रॉप गिर रहा था, और ड्रॉप के लालच ने मेरे को इतना अंधा बना दिया, तो भाई मैं क्या करता हूँ, तो ओपन से रश कर देता हूँ उस बंदे पे, तो देखना ज़रा क्या ही रश करता हूँ मैं उसके ऊपर। और ये सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात है, बेवकूफ़ी की बात है भाई, क्या ही बोल रहा हूँ मैं, ये ठंड ना भाई कब ख़त्म होगी, वैसे अच्छी है यार डिवाइस भी गर्म नहीं होता ना।
तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि भाई उसके नज़दीक में नेट फूटा है, तो उसकी एचपी तो लो हो गई होगी। तो मैं जाता हूँ उसके ऊपर, मैं एम रखता हूँ पूरा का पूरा और रश कर देता हूँ, और वो जैसे पिक करता है भाई निपटा दिया बंदे को कते इजीली। तो उसको लूटता हूँ और ड्रॉप को भी लूटता हूँ, और ड्रॉप से मेरे को AWM मिल जाती है, और पीछे से भाई एक बंदा कते जहर वाली फायरिंग देता है, तो वो भी देखना भाई मतलब उसको मैं कैसे उतारता हूँ। मतलब देखने लायक यार, फ्लाइंग किसका वादा आपको याद ही होगा। तो वो बंदा मेरे पे कतई फायरिंग कर देता है, पर मैं एक बेवकूफ़ी वाली बात कर देता हूँ कि भाई मेरे को पता नहीं था वो कितने बंदे, तो भाई वो फ्लैंक मार के मेरे को इजीली टेक डाउन कर सकते थे। पर हुआ है कि मैंने बेवकूफ़ हूँ ना भाई, 1% पे दिमाग चलता है, तो मेरी भी कुछ गलती नहीं है, तो कर दिया यार मैंने यहाँ पे कैंप। तो बंदा जैसे निकलता है तो मैंने सोच लिया था कि भाई मैं उसको AWM से मारूंगा, पर मेरे को पता नहीं था मेरे हाथ में M4 है, तो मैं पहले एक गोली चला देता हूँ, मतलब टैप करके निकाल देता हूँ, और दो गोलियाँ चल जाती हैं मेरे से। तो फिर मैं AWM निकाल लेता हूँ, और देखना भाई कितनी नाकाम कोशिश करता हूँ मैं उसके ऊपर स्नाइपिंग शॉट लेने की, पर आखिर भाई हेडशॉट से ही उतारूंगा उसको। तो लो भाई आपको फ्लाइंग किस का वादा तो याद ही होगा, तो फ्लाइंग किस मारो तो यार एक बार सब्सक्राइब बटन पे, और सब्सक्राइब बटन क्लिक होना चाहिए। और ये भाई ये क्यों आ रहा है, और यहाँ पे देखना भाई मैं क्या ही पॉज फायर देता हूँ, मतलब पॉज फायर मतलब क्या होता है। तो जहाँ तक मेरे दोस्त ने बताया, पॉज फायर मतलब डैमेज दो और कवर में आ जाओ, जिससे कि बंदा मर भी जाता है और अपने को डैमेज भी नहीं पड़ता। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको ट्राई करनी चाहिए, कुछ नई चीज़ है। पता है मैक्सिमम बंदों को आती होगी है, पर बताने में क्या जाता है, जिनको नहीं आता वो भी सीख जाएंगे। तो इनको मारने के बाद मैं बहुत ज़्यादा बंदे ढूंढता हूँ, पर बंदे मिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो यहाँ पे सामने फाइट चल रही थी, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और देखता हूँ क्या सीन चल रहा है, और AWM की एमो यहाँ पे भी वेस्ट होगी क्योंकि अपनी सस्ती स्नाइपिंग। तो पहले वाला शॉट उसके पीठ पे पड़ता है और दूसरा वाला भी उसके पीठ पे पड़ता है, तो ये बंदा तब भी नहीं मरता, मतलब क्या खा के आया था ये यार, मतलब दो एमओ वेस्ट। मतलब AWM की कोई औकात ही नहीं है भाई, मैंने जहाँ तक सुना है भाई AWM के दो एमओ में बंदा मतलब नीचे गिर जाता है, कोई सा भी हेलमेट हो, नहीं हेलमेट तो भाई फोड़ ही देती है, पर वेस्ट होना तब भी यार। तो यहाँ पर मैं एक बंदे को निपटा देता हूँ, और ये बंदा भाई मेरे को दिख जाता है गाड़ी के पास लेटा हुआ, तो मैं उसको एक शॉट देता हूँ, इसको नहीं यार आगे बोलना था, ये वाला बंदा। पर पता नहीं उसके वो शॉट कहाँ पे लगा, पर जहाँ तक है मेरे को लग रहा था मैं यहाँ पे गलत ही फंस जाऊँगा, क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ कवर के नाम पे बस ये पत्थर है और फ्लाइंग विंग मार दिया, और ये लास्ट जोन है ना, काफी बंदे हो सकते हैं, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ पहले फुर्सत में। और जिस साइड को मैं जा रहा था वो बंदा भी उसी साइड को आ रहा था, तो देखना क्या ही होता है यहाँ पे। तो जो गाड़ी वाला बंदा बच रहा था तो मैं उसको मारने के लिए जाता हूँ, पर यहाँ पे मेरे को लगता है भाई एक बंदे ने उसको मार दिया, क्योंकि फायर उसके सामने से हुआ था जस्ट, और मैं यहाँ पे आता हूँ चेक करता हूँ, और यहाँ पे वो बंदा दिखता भी नहीं है, पर मेरे साथ एक गलत स्कैम हो जाता है। और मेरे को लगता है कि इसी घर में जो बंदे है वो रह रहे, क्योंकि फायर तो यहाँ से ही आया था ना, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और TP पे लेने लगता हूँ। तो जिसको मैं भूत समझ रहा था भाई, वो बंदा तो जिंदा रहता है और वो पीछे से कर देता है फायर, तो मैं यहाँ पे बाल बाल बच जाता हूँ, पता नहीं कैसे बच गया भाई, का स्प्रे टट्टी रहेगा, नहीं तो बचने के चांसेस ही नहीं थे। और मैं यहाँ पे और एक बड़ी गलती कर देता हूँ, जो कि है भाई इस पेड़ के पीछे आ जाता हूँ मैं, क्योंकि भाई वहाँ पे अच्छा खासा कवर मिल रहा था मेरे को, मैं दूसरी साइड भी जा सकता था और घर वाले पे रश भी कर दे सकता था, पर अभी मेरे को दोनों साइड से पड़ेगी, क्योंकि घर वाला तो बंदा है ही है और भाई सामने से तो फायर हो ही रही है, तो मतलब दोनों साइड से। पर यहाँ पे मेरे को सामने वाला बंदा दिखने का नाम ही नहीं ले रहा था, मतलब मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि वो बंदा फायर कहाँ से कर रहा है, तो मैं देखने की कोशिश करता हूँ पर मेरे को दिखाई नहीं देता।
तो फाइनली वो बंदा यहाँ पे स्मोक कर देता है और निकलने का नाम लेता है, पर उसको कोई और ही ठोक देता है, जो कि रहता है भाई घर वाला बंदा, वो रहता है गिली सूट में। तो देखना मैं यहाँ पे क्या ही गलती कर देता हूँ, मतलब तो मैं यहाँ पे एक गलती कर देता हूँ कि मैं रहता ऊपर में, तब भी एक फायर कर देता हूँ और वो फायर लगती भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे मर सकता था। तो मैं फाइनली यहाँ पे पहुँच जाता हूँ और मेरे को उसके फुटस्टेप आ रहे थे, तो मेरे को भी पता था कि मेरे भी फुटस्टेप उसको जा रहे होंगे, क्योंकि देखो नज़दीक का डिस्टेंस है तो वो नेड करेगा, क्योंकि मेरे पास तो नेड नहीं है पर उसके पास ज़रूर होगा, तो वो नेड करता है। पर मैं यहाँ से खिसक के दूसरी जगह जाता हूँ और वो दूसरी जगह नेड करता है, तो मैं वहाँ से खिसक के फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ। मतलब देखो यार आप फिर समझ में आएगा। तो यहाँ पर वो बंदा साफ साफ दिख रहा था और मैंने उसको इजीली मार दिया यहाँ पे। तो बहुत दिनों के बाद मैं पबजी की वीडियो लेकर आ चुका हूँ, तो सपोर्ट दिखाना तो बनता है यार। तो सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। लाइक भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर कमेंट करना ज़रूरी है और सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।